महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, कुम्हार थे, गोरे थे, नाम पड़ा गोरा कुम्हार। उच्च कोटि के भक्त थे, गृहस्थ थे, बड़े भक्त थे। विट्ठल भगवान ने दर्शन दिया उन्हें। गोरा कुम्हार की चर्चा मैं जरा आपको कर दूं, फिर कच्चे और पक्के संतों की बात बताऊं। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, नाम है गोरा कुम्हार। घड़ा बनाने का काम था उनका, और जब घड़ा कोई कुम्हार बनाता है ना, तो माटी को रौंदना पड़ता है, पांव से कुचलना पड़ता है। तो वो माटी को रौंदते जाएं और बस विट्ठल 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 नाम जपते जाएं। कुछ दिन बाद शादी हुई, सुंदर सी पत्नी आई, समय बीता, एक सुंदर सा पुत्र हुआ गोरा कुम्हार के। और जब पुत्र हुआ तो गोरा कुम्हार ने कहा कि ये विट्ठल भगवान की कृपा से मिला है, इसलिए इसका नाम भी विट्ठल होगा। अब नाम रखा विट्ठल। एक दिन की बात है कि जब विट्ठल बड़ा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, तो घुटनों के बल चलने लगा। एक दिन गोरा कुम्हार माटी मिट्टी रौंद रहे थे, घड़ा बनाने की तैयारी थी, तभी बच्चा सोया। तो माँ बोली विट्ठल की, मतलब गोरा कुम्हार की पत्नी बोली, सुनो ये विट्ठल यहाँ सोया है, थोड़ा ध्यान देना, मैं कुएं से पानी भर कर लाई, भोजन बनाना है, पानी नहीं। तो पत्नी चली कुआ और बच्चे को लिटा दिया वहीं, और वो रौंद रहे थे माटी। अब गोरा कुम्हार तो बस माटी रौंद रहे हैं, आंखें बंद हैं, और उनका भाव ये है कि मैं पंढरपुर में हूं, भगवान का दर्शन कर रहा हूं। और वो कीर्तन करते करते माटी, देखो एक पंथ दो काज, माटी भी रौंद रही है और कीर्तन भी। ऐसे ही आप लोग भी काम करते रहा करो और भगवान का स्मरण बनाए रखा करो। अब वो विट्ठल 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 विट्ठला पांडुरंग विट्ठला विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। अब वो नाम जप कर रहे हैं कि तभी वो छोटा सा बच्चा जाग गया, और जब जागा तो रोया, पर रोया तो माँ तो थी नहीं, कुएं में गई थी पानी भरने। तो उसने अपने पिता को देखा, तो बच्चा है जिसको देखता उसी की तरफ भागता है। अब वो घुटनों के बल घिसटता हुआ पिता के पास गया, और पिता ध्यान में थे, आंखें बंद थी, नाम जब चल रहा, और बच्चा तो बच्चा है। जाके वो उस माटी के जो था पूरा, उस में जाके गिर गया, और रौंदते हुए विट्ठल नाम जपते हुए गोरा कुम्हार जी आए, और उन्होंने बच्चे की छाती पर पांव रख दिया, तो बच्चा माटी के अंदर धस गया। फिर बढ़ गए, फिर घूम करके आई, तो फिर सिर में पांव रखा, मतलब वो बच्चा पूरा का पूरा मिट्टी के अंदर समा गया, और दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। ये बिल्कुल सत्य घटना है। अब उनका तो ध्यान चल ही रहा है, विट्ठल 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 नाम जब चल रहा है, और यहां बेटा माटी में, उसका रोना भी सुनाई नहीं पड़ा। तब तक कुएं से पानी भरकर पत्नी वापस आई, उसने देखा तो बच्चा नहीं वहां, यहां वहां ढूंढा, कहां चला गया, कहां चला, विट्ठल बेटा विट्ठल, कोई आवाज नहीं, कहीं से कोई आवाज नहीं। अब कहीं नहीं तो वो ध्यान से देखा, तो जो माटी रौंद रही थी उसमें कोई बच्चे का कपड़ा दिखाई पड़ा। अब माँ तो माँ समझ गई, दौड़ कर गई, और देखा तो माटी के अंदर सना हुआ, वो डूबा माटी के अंदर, उठाया, और उठाया तो बच्चा तो प्राण शून्य थे। अब गोरा कुम्हार को उसने आवाज लगाई, हाथ पकड़ के रोका, क्या किया आपने, अपने पुत्र की जान ले ली, क्या हुआ,
कहा क्या कह रही हो तुम, ये विट्ठल देख रहे हो, ये तुम्हारे इस रौंदती हुई माटी में आकर गिर पड़ा और तुमने उसे भी रौंद डाला, तुमने मार दिया अपने पुत्र को। कैसी भक्ति है तुम्हारी, यही भक्ति है? कैसा विट्ठल है तुम्हारा भगवान? तुम भक्ति करते रहे और उन्होंने मेरे बच्चे की जान ले ली। मां तो मां है, सब कुछ कहेगी। अब जब उसने ये सब कहा तो गोरा कुम्हार ने भगवान विट्ठल जी से हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरा पुत्र अब नहीं है, वो तो आपने दिया था, आपने ले लिया, हमें इसका दुख नहीं है, लेकिन प्रभु उसकी मृत्यु का कलंक मेरे माथे लगा, इस कलंक को लेकर मैं जी ना पाऊंगा। हे विट्ठलनाथ जी, मैंने तो कभी आपसे कुछ मांगा ही नहीं, कभी आपसे मैंने कुछ कहा ही नहीं, पर आज कहता हूं प्रभु, ये जो बच्चा, मुझे इस बात का दुख है कि वो मेरे पांव से रौंद दिया गया और वो मेरे द्वारा मारा गया। हे प्रभु, आज मैं आपसे मांगता हूं, मुझे इस कलंक से बचा लो, इस कलंक से बचा लो। मां तो बच्चे को लिटा कर रो रही, रोती जा रही है, कहां है तुम्हारे भगवान, क्यों नहीं बचाया मेरे पुत्र को? तुम्हारी भक्ति झूठी है, तुम्हारा भगवान झूठा है। गोरा कुम्हार ने कहा, हे विट्ठलनाथ जी, आज तुम्हारा भक्त भी झूठा पड़ गया और तुम भी झूठे पड़ जाओगे, इसलिए हे प्रभु, मुझे पुत्र का कोई मोह नहीं है, मैंने कभी चाहा नहीं, आपने दिया है, आपकी मर्जी है, पर मुझे इस कलंक से बचा लो कि मेरे द्वारा मारा गया, ये जग क्या कहेगा, कैसा भक्त था, अपने पुत्र की जान ले ली। हे विट्ठलनाथ जी, मुझे इस कलंक से बचाओ। और गोरा कुम्हार रो पड़े और विट्ठल 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 कहते हुए आर्त भाव से वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। तभी भगवान की ऐसी कृपा हुई कि स्वयं मां बेटे को लिटाकर रो रही थी कि थोड़ी देर में बच्चा हिलने डुलने लगा। रोती हुई मां कुछ ध्यान से देखने लगी कि बच्चा कुछ अपनी उंगलियां हिला रहा है। तुरंत मां ने उसके शरीर की माटी पोंछी। थोड़ी देर बाद बच्चे ने अपनी आंखें खोली और उठ करके बैठ गया। और जब उठकर बैठा तो विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के अपने मूर्छित भक्त को उठाया, भैया उठो। जब गोरा कुम्हार उठे और जब उठे तो सामने भगवान का दर्शन किया। हे प्रभु, मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, आपको आना पड़ा, हे प्रभु मैं अपराधी हूं, मुझे अपने संग ले चलो। भगवान मुस्कुराए, बेटा मैं तुम्हारी इस अटूट भक्ति से, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम निष्काम हो, तुम मुझसे प्रेम तो करते हो पर तुम मुझसे प्रेम के बदले कुछ चाहते नहीं हो, इसलिए तुम खूब संतों की सेवा किया करो। गोरा कुम्हार बोला, प्रभु संतों की सेवा मैं कैसे करूं, जितना घड़ा बनाता हूं, जितने के घड़े बिकते हैं उतने में केवल परिवार का गुजारा हो पाता है, संतों की सेवा नहीं हो पाती। भगवान बोले, तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारे घड़ा बनाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। प्रभु आप? हाँ मैं। और आप आश्चर्य मानेंगे, भक्तों का चरित्र इतना महान है कि गोरा कुम्हार का पुत्र तो जीवित हो ही गया
गोरा कुम्हार पर तो भगवान ने कृपा की, उसकी पत्नी को भी सद्बुद्धि दी कि भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। और अंत में भगवान स्वयं गोरा कुम्हार के संग उसके घड़ा बनाने में सहयोग करते। और भगवान ऐसे ऐसे घड़े बनाते कि बाजार में अच्छी कीमत उन्हें मिलती। देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में गोरा कुम्हार के घड़े प्रसिद्ध हो गए और खूब धन कमा करके। और गोरा कुम्हार ने जो भी मिलता एक एक रुपया संतों की सेवा में भगवत कृपा से लगाने लग गए।